नमस्कार वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ मैं समीर। 2020-2021 में हम कोरोना को तो पार कर चुके हैं, पर उसके बाद एक और वायरस यहाँ पे इंडिया में आया हुआ है, जो कि मात्र भारत में ही नहीं बाकी देश में भी पाया गया है, जो है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स वायरस। आज उनकी पुष्टि की गई है कि मंकी पॉक्स है, उसका कन्फर्मेशन इंडिया में मिला है, एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित हुआ है। तो ये मंकी पॉक्स क्या होता है, कैसे होता है, उन पे ही बात करनी है, और बात करनी है वरिष्ठ चिकित्सक प्रवीण गर्ग साहब से। सब स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। सर, आज हमको समाचार मिला कि मंकी पॉक्स का वायरस इंडिया में कन्फर्म हुआ है। तो सर, हमें जानना ये है, लोगों को जानना ये है कि ये वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होता है, सर आप डिटेल में बताइए। तो जैसा कि भूतकाल में भी हमने देखा है कि जो वायरस होते हैं, ये एक अपने एक रिजर्वायर तरीके कोई मोस्टली एक एनिमल को बनाते हैं, मतलब उस एनिमल में ये अपना वायरस की उत्पत्ति होती है, पनपते हैं, और फिर उसके बाद में इन वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। और फिर एक बार कोई भी ह्यूमन बॉडी में उनका ट्रांसमिशन हो जाता है, तो वो जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग्स है, वो अपना वायरस दूसरे जो नॉर्मल उसके सराउंडिंग्स वाले हैं, उनको वो क्रॉस इन्फेक्शन फैलाता रहता है। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, मोस्टली पहले भी इसके कुछ एक केस रिपोर्टेड है, अफ्रीका वाली कंट्रीज़ में ये ज़्यादा देखने को पहले मिलता था, और अपने इंडिया में आज एक फर्स्ट केस इसका जो लेबोरेटरी जो कंफर्म टेस्ट है वो उसकी मतलब पहचान हुई है, और उसकी भी शायद ट्रेवल हिस्ट्री उस कंट्री में से रही हुई है। अब ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसकी बात करें तो ये भी एक साधारण वायरस, सिंपल वायरस इलनेस ही है। शुरुआत में पेशेंट्स को बुखार आना, सर्दी होना, माथे में दर्द होना, ये सब होता है, और उसके 3 से 4 दिन बाद बॉडी पे थोड़े रैश और ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, और जो अपने जो लिम्फ नोड हैं वो एनलार्जमेंट होने लगते हैं, जो अपनी जो लिम्फ की जो ग्रंथियाँ हैं वो एनलार्ज 4th-5th दिन होने लगती है। और चूंकि ये अभी एक रिलेटिवली नया वायरस है, तो अभी स्पेसिफिकली इसकी कोई एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन शुरुआत में अर्ली पहचान करके और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे हाइड्रेशन देना है, आइसोलेशन में रखना है, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रहना है, बुखार को कंट्रोल के लिए पैरासीटामोल की दवा देनी है, इन सब के कंट्रोल करने से इसको थोड़ा रिलेटिवली जल्दी कंट्रोल में किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ये देखा गया कि ये वायरस एक मानस से दूसरे मानस में क्या, तो ब्लड कॉन्टेक्ट आने में, सलाइवा कॉन्टेक्ट आने में, और सेक्सुअली ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है। तो अगर शुरू में ही ऐसे सिम्टम्स दिखे और सभी तरह से एक 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 केस को आइसोलेशन किया जाए, तो हो सकता है इस वायरस को अपने आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और अभी तो अपने हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO ने भी ऐसा बोला है कि बहुत ज़्यादा अभी इसके लिए कुछ चेतावनी नहीं जाहिर की गई है कि ये बहुत कोई गंभीर वायरस है या इसके लिए कोई पैनिक हुआ जाए। बट ये है कि भाई इंडिया में अभी एक नया तरह का ये वायरस आया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बट चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे ज़रूरी जो बात यह है कि देखिए, अभी आजकल मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सब जात जात के वायरस के फीवर के केसेस चल रहे हैं, तो आपका कोई भी वायरल का या कोई भी फीवर का कोई भी पेशेंट हो, उसको सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करनी चाहिए। डेंगू के फीवर में भी, चिकनगुनिया के फीवर में भी 3rd-4th दिन 5th दिन पे रैश बॉडी पे देखने को मिलती है, तो आपको पहला दिन या दूसरा दिन ही डॉक्टर की जो राय हो उसी हिसाब से डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेडिकल स्टोर से तो कोई भी दवा लेके ट्रीटमेंट नहीं चलना करना चाहिए। आपको खुद को सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए ये फ्लू का वायरस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, या कोई सा भी है। तो अभी तो ये मंकी पॉक्स का भारत में कितना क्या रहता है, ये तो आने वाला ही समय बता पाएगा, बट घबराने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा वॉचफुल और सतर्कता की ज़रूरत है। सर, जब भी कुछ नया वायरस वगैरह या फिर कुछ नई बीमारी वगैरह आती है, तो लोग घबरा जाते हैं, और मीडिया में अक्सर ऐसा देखा गया है कि चिल्ला चिल्ला के डराया जाता है। तो आपने ऐसा बोला तो सही कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक डॉक्टर के नाते अगर आप लोगों को बताएं तो अच्छा रहेगा कि इनसे डरना चाहिए या फिर नहीं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए,
वायरस जितने भी होते हैं बहुत चतुर होते हैं, अपने अपने रूप रंग बदल के एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं अलग अलग होस्ट के तरीके से। तो जो सबसे बड़ा मैसेज वो है कि हर एज वाला कोई ना कोई वायरस के लिए ससेप्टेबल होता ही है। तो आपको वायरल डिजीज से बचने का जो सबसे बड़ा एक उपचार कहिए या प्राथमिक इसका बचाव का रास्ता कहिए कि आपकी एक तो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें। सबसे बड़ी बात ये हमने कोरोना में भी इस बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखें। दूसरा, कभी भी आप सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। और तीसरा, अगर आपको मालूम पड़े कि ये वायरस आप तक, कोई सा भी वायरस अगर आप तक आ गया है, तो उसको आपके कोई भी नियर एंड डियर ऑफिस में या घर में किसी को भी उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर आपको पता हो तो उसको अपना वायरस दूसरे को फैलने से बचने से रोकें। और अच्छा, अच्छी नींद लें, अच्छी पौष्टिक खुराक लें और अच्छा सा अच्छी हेल्दी लाइफ जिए, खाने पीने में अच्छी चीज़ें लें, न्यूट्रिशन लें। लिक्विड का, कोई भी वायरस से लड़ने के लिए लिक्विड का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो हो सके तो दिन भर में 3 से 4-5 लीटर अच्छा सा कोई भी तरह का लिक्विड का उपयोग करें, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखें। तो इन सब जो माइनर इनसे वो है, इनसे आप इस वायरस से बच सकते हैं। सर, सुनने में ऐसा आया है कि जो HIV वाले पेशेंट है उनमें ये होने की संभावना ज़्यादा है, तो क्या सर ये सही है? क्योंकि ऐसा अभी देखा गया कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो रही है उस पर ये मंकी पॉक्स के वायरस का असर ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि पहले बात करी कि ये सेक्सुअली कंटेमिनेटेड वायरस है, तो ऐसा भूतकाल में जहाँ जहाँ पे भी अफ्रीका और में केसेस देखे गए उसमें ऐसा पाया गया कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स में इस वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लोगों को सतर्कता बनने की ज़रूरत है और कोई भी तरह की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ बात की, धन्यवाद।